पहली बात तो हमारी इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है, फैशन इंडस्ट्री। आपने क्वालिटी से तो आपको काम मिलता है, यहाँ पे कोई स्ट्रगल ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, परफेक्ट मॉडल बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। जैसे हमने आज पैजेंट में हमने बहुत सारी बच्चों को, नए बच्चों को सिखाया है। हम जब गुरु बनते हैं तो हम किसी के लिए, दूसरों के लिए एक आइटम बनते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। कि हम उर्फी जावेद के लिए, मैं बहुत बहुत, मुझे एज अ फैशन गुरु आई लाइक हर वेरी मच, क्योंकि शी इज़ वेरी क्रिएटिव। वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, एंड शायद कहीं ना कहीं जो वो पहन के आती है, उनकी जो ऑडियंस है, शायद वो शी वेयर्स अ रॉन्ग क्लोज इन द राइट रॉन्ग प्लेस, बट इफ शी वेयर्स द सेम क्लोज इन अ प्लेस वेयर एवरीबडी इज नॉलेज अबाउट फैशन, उनको बहुत बहुत अप्रिसिएशन मिलेगी। हाँ, वी आर इन इंडिया, एंड इंडिया में बींग बेयर इन पब्लिक इज नॉट एक्सेप्टेड, एंड शी माइट कम इन टू अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज आई थिंक वेन यू वेयर अ बिकिनी यू शुड बी एट द बीच साइड और अ पूल पार्टी, तो ये थोड़ा सा उसका करेक्शन हो जाएगा। तो आई थिंक शी विल मेक इट वेरी बिग, एंड आई रियली, मुझे उसको अप्रिशिएट करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद उसको देखती हूँ, और जो वो क्रिएटिविटी हर चीज़ में, आप खाना भी खाओगे तो आपको आई एम श्योर रोज़ सेम दाल खाने अच्छी नहीं लगेगी। अगर उर्फी जावेद कपड़ों में आपको वैरायटी दे रही, तो आई रियली लव दैट लेडी, बट ओनली थिंग इज वेयर द राइट कॉस्ट्यूम इन द राइट ऑडियंस, दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई वुड लाइक। राखी की अगर बात किया जाए, कहीं ना कहीं राखी के बाद ही उर्फी जावेद ने वो कदम उठाया। राखी एंड उर्फी जावेद में मुझे एज पर कॉस्ट्यूम मुझे नहीं लगता है कि देर इज़ एनी कंपैरिजन, क्योंकि मुझे पता है राखी सावंत का कॉस्ट्यूम, शी इज़ वेरी पर्टिकुलर, उनकी एक बॉडी लैंग्वेज है, उनको जो कॉस्ट्यूम्स चाहिए, उनके एक पर्टिकुलर स्टाइल है। उर्फी जावेद डजन हैव दैट काइंड ऑफ अ स्टाइल ऑफ, यू नो, मे बी अ डीप नेक और ऑलवेज कैरिंग इट ऑन अ एक्सपोज लेवल, बट राखी सावंत, शी लाइक्स टू पोर्ट्रे हर सेल्फ इन अ वेरी ग्लैमरस, मे बी अ वेरी बेयर बॉडी, वेरी कम क्लोथ्स पहनना, एंड वो कैरी भी कर लेती है, अच्छा लगता है उनके ऊपर। हाँ, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट साजिद जीज, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कैट फाइट बंद होनी चाहिए, क्योंकि आप, अगर लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आप हमारी आने वाली पीढ़ी को अच्छे से कुछ दिखाओ, अच्छा सिखाओ। मुझे नहीं लगता ये इतना गंदा हो गया है, इतना गंदा हो गया है कि लोग कहीं ना कहीं बातें कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आवाज़ उठानी है, जो हम करते हैं, मैं करती हूँ तो मैं बात करती हूँ, अगर मैं स्वदेशी के लिए काम करती हूँ तो मैं वही बोल रही हूँ, अगर मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी के लिए आवाज़ उठाती हूँ, तो आवाज़ आप, जब निर्भया केस हुआ था, या तो आज आप अगर पुलिस स्टेशन जाके बैठते, तो रोज़ रेप केसेस होते, राखी कैन यू गो एंड सॉल्व समबडीज केस, तब मैं बोलूँगी कि आपने एक नॉर्मल इंसान के लिए आवाज़ उठाई। आप हमेशा हिंदुस्तान को बीच में लाते आपकी कैट फाइट में, नहीं अच्छा लगता, क्योंकि बॉलीवुड बहुत फेमस है इंटरनेशनल, और हमको उस बॉलीवुड को और ऊपर लेके जाना है, ना कि गिराना है। सो आई थिंक ये कैट फाइट बंद होनी चाहिए।